बलरामपुर के सभी शासकीय कॉलेजों में फैली अव्यवस्था को लेकर एबीपी छात्र संघ ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर नारेबाजी की। छात्र संघ के कार्यकर्ताओं के साथ कॉलेज के छात्र भी मौजूद रहे और इस आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारी छात्रों ने कलेक्ट्रेट का घेराव करने के बाद अपनी 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन अपर कलेक्ट्रेट को सौंपा और 7 दिन के अंदर कार्रवाई की मांग की। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन और चक्का जाम की चेतावनी भी दी है। छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जिले के किसी भी सरकारी कॉलेज में ना तो छात्रावास है और ना ही शौचालय की व्यवस्था है, जिससे छात्रों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बलरामपुर कॉलेज में टीचरों की कमी है, सहायक प्राध्यापक की। ये कमी तो मैं समझता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में ही होगी। ये समस्या बलरामपुर की ही नहीं, सभी कॉलेजों की होगी। तो ये शासन स्तर पे है, लिखा जाएगा शासन शिक्षा विभाग को कि कमी दूरी की। इन्हें किताबों की कमी बताया, लाइब्रेरी में पुस्तकें नहीं हैं। दूसरा छात्रावासों में निर्माण की कमी है और कई जगह पानी की समस्या है, अन्य छात्रावासों की भी और अन्य समस्याएं भी हैं।